वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते हैं दास सर की क्लास में, क्या चल रहा है सर बताएं। आज अपन देख रहे हैं एसी मोटर। एसी मोटर जो अपनी वॉशिंग मशीन में लगती है, चाहे फ्रिज में लगे, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे एसी का कंप्रेसर, ठीक है, ये सारे मोटर में आते हैं। इनमें नॉर्मली सिंगल फेज मोटर में दो कॉइल होती है, जिसको एक कहते हैं अपन रनिंग और एक को कहते अपन स्टार्टिंग। रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों के कॉइल को लेके अपन कॉमन करते हुए जो निकालते हैं, इसको कहते अपन कॉमन। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमेशा कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक। सप्लाई हमेशा जो आएगी ये आएगी आपके कॉमन और रनिंग के बीच। अब अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा रनिंग है कौन सा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इस मोटर में ये तीन वायर आ रहे हैं, ठीक है, इनमें रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे हाई रेजिस्टेंस जिसका आएगा वो आएगा उसके सामने वाला कॉमन, जिसका सबसे लो आएगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग, और जिसका मीडियम रहेगा वो हो जाएगा आपका रनिंग। अब इसको अपन आइडेंटिटी करते हैं कैसे कैसे। इसमें अपने तीन कलर दिया है, रेड, ब्लू, वाइट और वाइट। अब अपन सबसे पहले रेड और वाइट के बीच में निकालते हैं, फिर ब्लू और वाइट के बीच में, फिर वाइट और रेड के बीच का रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक। ब्लू करो। अब अपन पहले निकाल रहे हैं ब्लू और वाइट, वाइट के बीच का रेजिस्टेंस कितना आया, 83। ब्लू और वाइट, ब्लू और वाइट के बीच में आया 83। अब कौन सा, रेड और वाइट, ये रेड और वाइट के बीच में कितना है, 68। अब बचा कौन सा अपना, ब्लू और रेड, रेड कितना आया, 116। ऐसा क्यों आया, सबसे ज़्यादा किसका आया आपका कॉमन का, कॉमन क्यों आया, क्यों अपनी ये जो दो कॉइल बन रही है इन दोनों का योग होके आपके इन दोनों में आया, ठीक है। तो ये रेड और ब्लू, ब्लू जिसमें सबसे ज़्यादा आया, रेड और ब्लू इसमें कितना आया, 116। तो इसके सामने वाला जो है, इसके सामने कौन सा है आपका वाइट, इसके सामने वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, राइट। इन दोनों में तो आप कैपेसिटर लगा ही रहे हो जो आपने इधर लगाया है, तो ये वाइट वाला क्या हो गया आपका, वाइट वाला कॉमन हो गया, ठीक। इसके बीच में सबसे कम किसका आया, रेड वाइट, रेड और वाइट, वाइट 68, रेड और वाइट बोले तो इसमें रेड और वाइट इन दोनों में 68, और ये वाइट और ब्लू, ये वाइट और ब्लू इसमें कितना आया आपका 83। तो इसमें जिसमें ज़्यादा आया वो क्या हो गया आपका सप्लाई रनिंग, जिसमें कम आया जो अपने बताया था पहले सबसे कम आएगा वो क्या हो गया आपका स्टार्टिंग, और जो सबसे ज़्यादा आएगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा कॉमन, कॉमन, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से आप अगर इस पर ड्राइंग भी देखेंगे, ड्राइंग पर ज़रा जूम करके देखिए,
इसमें सेम वही चीज बता रहा है, ये दो कॉइल का जोड़ जो आया ये हो गया आपका कॉमन, जो अपन ने ये दोनों का जोड़ निकाला, इन दोनों में आपका लग गया कैपेसिटर ब्लू और रेड में, और सप्लाई इन दोनों में आ गया व्हाइट और ब्लू में, व्हाइट और ब्लू में ये आ गया आपकी सप्लाई। अब अपन इसको ऑन करके भी देखते हैं। इसके ऑन करने के लिए सबसे पहले अपन को लगाना पड़ेगा कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने अभी पढ़ी लिया है, किस किस में आएगा, ब्लू और रेड में। रेड में अपन कैपेसिटर जोड़ लेते हैं, ब्लू और रेड में। रेड में अपने कैपेसिटर जोड़ लिया, ठीक। रेड वाला क्या अपनी रनिंग, इसमें तो सप्लाई जाएगी नहीं, तो इसको अपन कर देते पैक। अब अपना सप्लाई किस किस में आएगी, ब्लू और व्हाइट। ये अपन ने व्हाइट पे जोड़ दिया, दूसरा काय में जोड़ेंगे अपन ब्लू, ब्लू में ये आ गया ब्लू। अब अपन इसको देंगे सप्लाई, इस तरह से आप सारे लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ हमारे पास रियल टाइम प्रैक्टिकल्स के साथ हम सारी चीज़ें कराते हैं। उल्टी कैसे चला रखते हैं। अब अगर इसको सप्लाई चेंज करनी है, सप्लाई चेंज करने के लिए अगर कैपेसिटर पे जो अपन वायरिंग दे रहे हैं रनिंग के साथ, यहीं पे अगर अपन गलती से यहाँ पे ना देखे अगर अपन सप्लाई यहाँ पे डाल देते हैं तो इसकी चाल चेंज हो जाएगी। एक बार पहले ऐसे वाला दिखा दीजिए, इसकी सप्लाई देख लो, ये क्लॉक चल रही है एलटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक चल रही है, ठीक है। अब अपन इसकी सप्लाई चेंज करते ब्लू से हटा के रेड में देते हैं। ये कभी कभी उल्टा हो जाता होगा, उल्टी चलती मोटर है, फिर उल्टी चलेगी। ये मोटर ही गड़बड़ है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, हीट होने लगी। ये वाली कॉइल में शॉर्ट हो गई, इसलिए रोटेशन भी कम हो गया, स्मेल भी आ रही है, स्मेल आने लगी। समझ में आ गया, तुम लोगों को क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए, सारे प्रैक्टिकल्स, मोटर सारा कुछ कराते हैं, वॉशिंग मशीन हो, इसके अलावा जो भी आप कोर्सेज करना चाहें, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सीसीएनए, लाइनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कोर्सेज हम कराते हैं और एक्चुअल प्रैक्टिकल के साथ सामने आपके कराएंगे। थैंक्स फॉर द